and Ali Awada. Lana El Sahely एक fashionable Lebanese blogger जबकि Ali Awada एक businessman है। इन दोनों की शादी 4 सितंबर को 2014 में हुई थी। लाना अल सहले चूंकि एक ब्लॉगर हैं, चुनाचा उन्होंने अपना सारा इवेंट अपनी वालदा और बहन के साथ मिलकर प्लान किया। लाना का कहना था कि ये सब कुछ प्लान करने में अगरचे उन्हें 6 महीने का वक्त लगा, मगर आखिर के 3 महीने खासे मुश्किल थे। जिस चीज ने इस सब को मुमकिन बनाया वो ये था कि उन्हें पता था कि वो क्या करना चाहती है। वेन्यू के लिए लाना ने बैरूत में वाकई behindL’Armoire का चुनाव किया जो बिल्कुल खाली था। लाना को एक खाली जगह की ही तलाश थी ताकि वो अपने आइडियाज पर अपनी मर्जी से अमल दरामद कर सके। शादी की डेकोरेशंस देखकर लगता था कि सब वाकई दिल से प्लान किया गया है। पूरे हॉल में जगह जगह फेरिस व्हील्स, बुफेस और फ्लावर वॉल्स नजर आ रही थी। लाना अल सहले का फैशन की दुनिया से गहरा ताल्लुक है तो वहाँ फैशन की झलक दिखाई ना दे ये कैसे मुमकिन था। दरहकीकत ये इवेंट लाना की फैशनेबल जिंदगी का ही अक्स था। एक जगह जहाँ वेलकम ड्रिंक और डेजर्ट सर्व किया गया क्रिस्टियन डियोर के कैटियोर शो से मुतासिर थी, जहाँ दीवार को वाइट ऑर्चिड से सजाया गया था। इसके अलावा 2 बड़े फेरी व्हील्स थे जिन्होंने हॉल को 4 चांद लगा दिए। वहाँ मौजूद कराउजल और फाउंटेन लुए वितों से स्पार्क थे। डोल्चे एंड गबाना के स्प्रिंग 2012 के कलेक्शन पर मबनी एक वॉल ऑफ लाइट थी जो रंगों और रोशनियों से भरपूर थी, जबकि मेन बुफे एरिया शनेल के पेरिस बॉम्बे शो से इंस्पायर्ड था। इस तकरीब में मेहमानों में तहाइफ भी तकसीम किए गए। यूं तो शादी की सारी तकरीब ही शानदार थी, मगर सबसे शानदार लाना का वेडिंग ड्रेस था जिसे एली साहब से डिजाइन करवाया गया। एली साहब एक मकबूल लेबनीज डिजाइनर हैं। लाना के वेडिंग शूज भी उन्होंने ही डिजाइन किए। लाना का कहना है कि उन्होंने अपने ड्रेस का कलर बहुत दफा तब्दील किया। शुरू में जब डिजाइनर ने उन्हें इस ड्रेस में पर्ल्स लगाने का कहा तो उन्हें ये आइडिया कुछ खास पसंद न आया, मगर जब ड्रेस का डिजाइन तैयार किया गया तो वो बहुत इम्प्रेस हुई क्योंकि इसमें मुख्तलिफ साइज के पर्ल्स लगाए गए और ये पर्ल्स उनके आइवरी शेड ड्रेस से बिल्कुल मैच कर रहे थे। इस ड्रेस को बनाने में डिजाइनर ने तकरीबन 100 मीटर नेट का इस्तेमाल किया।